नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। कल जियोग्राफी वालों का पेपर है, सेकेंड ईयर का जियोग्राफी का कल पेपर है और कुछ संबंधित सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो सवाल है वो क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा दोनों में विभेद बताइए। दूसरा सवाल है आर्थिक प्रदेशों के आधार एवं विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। ये पहली यूनिट से है। दूसरी यूनिट से सवाल है एशिया की उच्चावचीय विशेषताओं का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। और दूसरा है एशिया की प्राकृतिक वनस्पतियों की विशेषताओं एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। तीसरा जो सवाल है तीसरी यूनिट से यूरोप में आर्थिक विकास का एक भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। और दूसरा सवाल है भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एक भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। और तो चौथा यूनिट है आपका दक्षिण अमेरिका के स्थलाकृतिक स्वरूपों तथा प्रवाहों स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का एक भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। यह आपका लॉन्ग सवाल हो गया। टिप्पणी में देखिए आकार जनक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, राजनीतिक प्रदेश, ब्रिटिश द्वीप समूह का प्रादेशिक विवरण, यूरोप के शंकुधारी वन, एशिया में मानसून प्रदेश, डुड्डू मिट्टी, क्या लिखा है ये हमको नहीं पता, अमेजन बेसिन और पराना चरा बेसिन कोई है और यूरोप का प्रवाह, इतना आप कवर कर लीजिए। इतना हो जाएगा तो काम बन जाएगा, यानी क्रमबद्ध एवं